मॉम्स एंड डैड्स, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्वींस मामा। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में या बेबी फूड्स के बारे में जो आप कैरी कर सकती हैं अपने साथ आपके इन्फेंट या टॉडलर के लिए जब आप ट्रैवल कर रही हो। मैं और मेरे हस्बैंड अपने रिस्पेक्टिव नेटिव प्लेसेस से 300 से 400 किलोमीटर दूरी पे रहते हैं और दो हमारे बच्चों के बर्थ के बाद हम बहुत दूर कहीं ट्रैवलिंग पे तो नहीं गए, लेकिन ये 300-400 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये हम अक्सर तय करते हैं बाय आर ओन कार। और इस दौरान मैंने जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है आज उसी के बेसिस पे मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स के बारे में जो ट्रैवलिंग के वक्त काफी हैंडी होते हैं। बच्चों के साथ ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है और उनके नाजुक से डाइजेस्टिव सिस्टम को याद रखते हुए आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर बिना सोचे समझे हमने उनको बाहर का कोई खाना दे दिया ट्रैवलिंग के दौरान, स्पेशली चांसेस होते हैं कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाए और ये आपके लिए अनादर स्ट्रेस का कारण बन सकता है। तो ऐसे इंस्टेंसेस से बचने के लिए सबसे बेहतर है कि आप अपने साथ वो सारे फूड आइटम्स कैरी करें जो आप अपने इन्फेंट या टॉडलर को दे सकती है। वैसे भी बच्चों को जब भूख लगती है वो काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं और इस चिड़चिड़ेपन से दूर रखने के लिए भी ज़रूरी है हमारे पास एट हैंड कुछ ऐसा हो जो हम उन्हें दे सकें जब भी बच्चे को भूख लगी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंट्स की। अगर मैं 6 महीने तक के शिशु की बात करूं, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के साथ उनके 1 month ऑफ एज से ट्रैवलिंग की है, उस दौरान आपको कुछ और लेकर जाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो टोटली ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं। तो बस कुछ वेट वाइप्स ले लीजिए और एक स्कार्फ मे बी फॉर सम प्राइवेसी। अगर आप अपने कार से ट्रैवल कर रही हैं तो इतना काफ़ी है। टाइम टाइम पे उन्हें ब्रेस्ट फीड करवाते रहें, उनके सारे न्यूट्रिशनल और वाटर रिक्वायरमेंट्स इससे फुलफिल हो जाएंगे। अगर आप पब्लिक व्हीकल में सफ़र कर रही हैं तो शायद आपके लिए ब्रेस्ट फीडिंग करवाना इतना फीजिबल नहीं रहेगा। तो अगर आप शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ट्रैवल कर रही हैं तो आप पम्प्ड आउट ब्रेस्ट मिल्क बॉटल में लेकर जा सकती हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ट्रैवल कर रही हैं तो ये पम्प्ड आउट ब्रेस्ट मिल्क खराब हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट कुछ प्राइवेसी का बंदोबस्त करें अपने लिए सो दैट आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा पाएं या फिर आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे सकती हैं। अदरवाइज भी अगर आप बच्चे को फॉर्मूला फीड करवाती हैं तो इसके लिए आपको 3-4 अच्छे से स्टेरिलाइज किए हुए बॉटल्स की ज़रूरत होगी क्योंकि रास्ते में आप स्टेरिलाइजेशन कर नहीं सकते। इसके साथ साथ आपको हॉट वाटर बॉटल और एक नॉर्मल वाटर बॉटल और फॉर्मूला मिल्क को कैरी करने की ज़रूरत है। जैसे ही बच्चे का फीडिंग टाइम हो फीड बनाएं और उसे दे दें। याद रखें उससे पहले आपको अपने हैंड प्रॉपरली वॉश करने हैं। 6 से 12 महीने के शिशु के लिए अब आप जब उन्हें सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कर चुकी हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख के कुछ आइडियाज ले सकती हैं सॉलिड्स कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इस दौरान जब आप ट्रैवल कर रही हो पहला तो उनको मिल्क की ज़रूरत है, वो मैंने बता दिया कैसे आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। सेकंड थिंग जो आपको इस दौरान कैरी करनी है वो है सीरियल्स। रेडी टू मिक्स बहुत सारे सीरियल्स मार्केट में आते हैं अच्छे अच्छे ब्रांड के। मैं किसी ब्रांड का स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपको नहीं करना चाहूँगी। ऐसे किसी भी ब्रांड का सीरियल आप एक एयरटाइट कंटेनर में लेकर जा सकती हैं। इसमें जब भी बच्चे को भूख लगे बस थोड़ा सा ल्यूकॉम वाटर मिलाएं और ये रेडी होता है टू फीड। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी बस एक बाउल और स्पून की। ये सबसे ईजीएस्ट खाना होता है इस एज के बच्चों के लिए। इसके अलावा मैं हमेशा राइप बनानास कैरी करती हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैं क्या करती थी, एक फॉर्क लेकर जाती थी अपने साथ और उसी फॉर्क से मैश करके बच्चे को थोड़ा सा दूध मिलाकर एज अ मील ये प्रोवाइड करती थी। बनाना का प्यूरी बहुत आसानी से बन जाता है और ये बहुत ईजी होता है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग टू फीड योर इन्फेंट। इसके अलावा आप रोस्टेड ओट्स का पाउडर भी कैरी कर सकती हैं और इसी बनाना मिल्क के मिक्सचर में थोड़ा सा ओट्स का पाउडर भी डाल दें
और आपके बेबी के लिए एक फुलफिलिंग मील तैयार हो जाता है। इसके अलावा अगर आप आउटस्टेशन स्टे के लिए जा रही हैं 3-4 दिन के लिए, तो आप कुछ रोस्टेड राइस का पाउडर या फिर रोस्टेड लेंटिल का पाउडर भी खुद के साथ कैरी कर सकती हैं, जिनको बस आपको एक बॉयल देना होता है। मतलब बस गर्म पानी डाले तो नहीं होगा, उसके साथ थोड़ा उसे बॉयल भी करना पड़ता है। उसके बाद आप अपने बेबी को फीड करवाने के लिए तैयार है। तो ऐसे ही कुछ फूड प्रोडक्ट्स मैं कैरी किया करती थी, शायद कुछ और भी ऑप्शंस हो, मैं यहाँ आपको बस अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब से मेरे बच्चे 1.5-2 साल के हुए हैं, अब वो ऑलमोस्ट 3 ईयर्स के हैं, अभी भी मैं राइप बनाना अपने साथ ज़रूर कैरी करती हूँ। डिफरेंस ये है कि अब मुझे बनाना को मैश करके देने की ज़रूरत नहीं होती, कट करके दे देती हूँ और साथ में ओट्स लेकर जाती हूँ, नॉर्मल ओट्स जिसे रोस्ट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, और आप मिल्क पाउडर के साथ गर्म पानी से मिल्क बनाकर उसमें डाल के बच्चे को एक अच्छा सा मील दे सकते हैं। बस आपको कुछ बाउल्स एंड स्पून्स कैरी करने की ज़रूरत है, एक गर्म पानी का थर्मस कैरी करने की ज़रूरत है और कुछ मिल्क पाउडर। इसके अलावा मल्टीग्रेन या होल व्हीट के बिस्किट्स भी आप लेकर जा सकती हैं, टॉडलर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है। हार्ड बॉइल्ड एग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा गंदा भी कुछ नहीं होता और बच्चे का पेट भी भर जाता है। इसके साथ अगर आप शॉर्ट ट्रिप्स पे जा रही हैं, तो कोई पराठा ले लें या फिर ब्रेड और बटर का कोई टोस्ट ले लें। 3-4 आवर्स तक की जर्नी के लिए आप पास्ता कुक करके भी लेकर जा सकती हैं, या फिर पनीर पराठा या कोई भी स्टफ्ड पराठा छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर टिफिन में आराम से लेकर जा सकती हैं। लेकिन ऐसा खाना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सही नहीं होता, ये स्पॉइल हो जाता है। जब भी आप ट्रैवल कर रही हो, उन्हें ऑयली, खासकर रेडीमेड ऑयली जो स्नैक्स होते हैं वो देने से परहेज करें। कोई भी स्वीट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड बेवरेजेस या फिर कोई नया खाना ना दे। अगर आपको बाहर खाना भी पड़े तो देखिए कि आप किसी हाइजीनिक जगह पे खा रही हैं, स्पेशली आउट स्टेशन ट्रिप्स पे, और वहाँ उनको वही खाना दें जिसके वो यूज्ड टू हैं। कोई नया आइटम उन्हें इंट्रोड्यूस ना करें, इससे उनको डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में फ्रूट्स और सीरियल्स बेस्ट होते हैं जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, इससे स्टमक अपसेट के चांसेस बहुत कम होते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल हिट करना ना भूले, इससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी जल्दी ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून। टिल देन टेक केयर।